आज बीत्री वर्सेस हीरो ग्लैमर करेंगे। ये हो गया, सच में बाय बाय कर दिया इसने। अब तो फुल ऑन भगाने पे भी कितना भी अगर इसको भगा लेंगे ना, उसको तो भाई कहीं से भी दूर दूर तक उसकी टेल लाइट भी नहीं दिखेगी अगर उसने फुल मोड में भगाया तो। ये देखो भाई, ये कर रहा है कॉर्नरिंग, अपनी से ही कॉर्नरिंग कर रहे हैं। ये देखो फुल गियर पे भगा रहे हैं भाई, फुल, तब भी वो खेल रहा है मेरे साथ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कल यार मैंने बहुत ज्यादा ना बैडमिंटन खेल लिया, तो मेरा जो ये राइट हैंड है ना वो सही से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मैं ना बाइक वगैरह राइड नहीं कर रहा हूँ एंड मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। एंड एक और बैड न्यूज बता रहा था गाइस, हमारा जो राइड का प्लान हो रखा था, मतलब जो हमने सोचा था अभी लॉन्ग राइड करने का, बट डेस्टिनेशन मैंने आप लोगों को नहीं बताया था क्योंकि वो कुछ अलग होने वाला था। इस बार मैंने आप सबको बताया था कुछ डिफरेंट होने वाला है, बट द सीन इज कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रखा है एंड वहाँ का परमिट हमें नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ का जो सीन है वो हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। बट राइड कहीं ना कहीं का तो करना ही है, तो अभी हम लोग का प्लान हो क्या रहा है कि एक दो जगह हम लोग सोच रहे हैं जहाँ हम लोग राइड कर सकते हैं, जो चीज़ अभी पॉसिबल है वहीं का हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं कि ओवर रिस्क लगे, क्योंकि हम लोग मस्तांग जब गए थे तो जो हमने लोअर मस्तांग किया था टुवर्ड्स मुक्तिनाथ, वो भाई कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया था। हमने बारिश के टाइम में किया था, आप सबने अगर वीडियोज देखा होगा तो आपको पता होगा, जो हमने गॉडजिला पे राइड किया था ना वो बहुत ही मुश्किल था। तो मैं नहीं चाहता इस बार कोई वैसा वाला राइड करने का, क्योंकि एक्सट्रीम हो जाता है एंड यार लाइफ को रिस्क में डाल करने का राइड करने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो मैं कोई भी वैसा राइड नहीं करने वाला हूँ जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो जाए। ऑल्दो मेरा प्लानिंग था इस बार हमें राइड करना था अपनी वैम पे, आप सबको मैंने ये चीज नहीं बताया था बट मैं आज बता रहा हूँ, वैम पे राइड करने का मन था बट वो भी अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि हम लोग का डेस्टिनेशन ही चेंज होने वाला है। तो राइड अब शायद बाइक भी चेंज हो सकती है, बट आपको मैं वैम का भी लुक दिखाऊंगा। काफी अच्छे खासे ना प्रिपरेशन रेडी कर दिए थे भाई राइड के लिए, आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा, इस वीडियो में तो नहीं। एंड आज है 14, जब आप वीडियो देख रहे हो आज मैं जा रहा हूँ कोलकाता इन एन इवेंट, तो आज कोलकाता में रहूंगा एंड 15 तक मैं कोलकाता में रहने वाला हूँ। उससे पहले आज जो अपन राइड करने वाले हैं बाइक वो है ग्लैमर एक्सट्रेक, एंड ग्लैमर एक्सट्रेक के साथ हम लोग करने वाले छोटी सी पैरिस रेस विथ R15। तो काफी ज्यादा आप लोगों ने बोला था छोटी सीसी बाइक को आप राइड करो, आप लोग हमेशा बोलते हो इस चीज को कि छोटी सीसी की बाइक को राइड किया करो, छोटी सीसी की बाइक आप लोग राइड नहीं करते हो। देखो यार मेरे साथ सीन क्या कि अपने गैरेज में जितनी भी बाइक्स है मैं मोस्टली राइड करने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी होता है क्या यार, काफी ज्यादा मन करने लग जाता है कि गॉडजिला ही राइड करो, तो मैं रेगुलर गॉडजिला राइड करने लग जाता हूँ। बट द थिंग इज कि अब अपन हर टाइप की बाइक को राइड करेंगे, हर सेगमेंट की बाइक को राइड करेंगे। चलो गाइस बिना लेट के मिलते हैं आप लोगों से GoPro पे एंड बाकी की बात करेंगे ऑन GoPro। तो आज मैं राइड कर रहा हूँ ग्लैमर एक्सट्रेक एंड ये देख सकते हो भाई बाइक को भगाते हैं, थोड़ा कैसी परफॉर्म कर रही है ये भी चेकआउट करते हैं। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड कर रखा था यार कि आप छोटे सेगमेंट के बाइक्स को नहीं राइड करते हो, तो चलो आज इसको ही राइड करते हैं, इसको ही भगाएंगे, साथ में अपने V3 भी है। आज V3 वर्सेस हीरो ग्लैमर करेंगे। बाय बाय बोल रहा भाई ये तो, ये हो गया, सच में बाय बाय कर दिया इसने अब तो। फुल ऑन भगाने पे भी कितना भी अगर इसको भगा लेंगे ना, उसको तो भाई कहीं से भी दूर दूर तक उसकी टेल लाइट भी नहीं दिखेगी अगर उसने फुल मोड में भगाया तो। अभी लिटरली बता रहा हूँ वो ना खेल रहा होगा इसके साथ, बट इस बाइक में भी डिस्क ब्रेक वगैरह सब कुछ है। और इसकी टायर्स ना इतनी पतली है ना कि मैं बिल्कुल नहीं रिस्क लेने वाला इससे भाई स्ट्रीट रेस वगैरह करने की, बस थोड़ा खाली खाली रोड पे ही भगा के चेक करेंगे। ये देखो भाई ये कर रहा है कॉर्नरिंग, अपन इससे ही कॉर्नरिंग कर रहे हैं, ये चेकआउट करो, बहुत ही पतली टायर है यार। और ना सच बता रहा हूँ एक चीज़ की, मुझे आदत नहीं है ऐसे टायर्स पर बाइक चलाने की, इस वजह से मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेने वाला, आराम से ही भगाना है बाइक को। मैं ना आज बिना जैकेट के निकल गया ठंड में यार, हालत ख़राब हो रही है, शाम हो चुका है, सुबह से एक काम से निकला हुआ था। ओ भाई आज तो ठंड भी लग रहा है, ग्लव्स भी मैंने कैरी नहीं किया और बहुत ज़ोर की ठंड बढ़ चुकी है अभी शाम में अचानक से। आजकल हो क्या रहा ना, ठंड उस तरीके का है नहीं, दिन में काफ़ी गर्मी गर्मी सा लगता है तो जैकेट कैरी नहीं कर पाता हूँ एंड अभी बिना जैकेट का निकल गया। ब्रेक्स तो अच्छे हैं इस बाइक के, ये देखो भाई कैसे भाग रही है।
और आज मैं इसको राइड कर रहा हूँ ना, बहुत लोग तो पहचानेंगे नहीं, अपने फ्रेंड्स लोग नहीं पहचानेंगे। अभी मैं जहाँ गया तो वो लोग बोले थे भाई ये कौन सी बाइक से है पता ही नहीं चल रहा तुम्हारी। ये देखो फुल गियर पे भगा रहे भाई फुल, तब भी वो खेल रहा है मेरे साथ। एक्चुअली इस बाइक का ना स्पीडोमीटर ऑफ किया गया है, तो आपको यहाँ पे जीरो ही देखने को मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला। बट टॉप गियर में देख लो आरपीएम फुल हो रखी है। तो अच्छा कि इसके बाइक में एग्जॉस्ट वगैरह लगा तो थोड़ा सुन के अच्छा लग रहा, वरना ये बाइक तो इतनी ज़्यादा साइलेंट है कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये देखो इस बाइक पे भी नंबर नहीं है पीछे, इस पे भी नंबर नहीं है पीछे, समझ लो क्यों नहीं है। तो अभी गोप्रो के साथ हुआ क्या कि चलते चलते अपने आप गोप्रो ही बंद हो गया एंड भाई अपना जो दोस्त था वो भी चला गया। अब मुझे अकेले बाइक भी राइड करना पड़ेगा, अकेले व्लॉग भी करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ भाई ये कैसे पॉसिबल होगा, बट कोई नहीं, इसको थोड़ा देर राइड करेंगे उसके बाद इसको जाएंगे वापस लगा देंगे एंड उसके बाद बाइक करेंगे हम लोग दूसरी राइड। कौन सी बाइक राइड करने वाले हैं वो आपको आगे थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। तो चलो जल्दी से चलते हैं इसको लगाने। जब मैं ऐसी बाइक चलाता हूँ ना तो सबसे एक प्लस पॉइंट क्या होता है मेरे लिए ना कि कोई टेंशन नहीं होता है किसी चीज़ का, क्योंकि ना तो ये ओवर स्पीड भाग सकती है ना इस पर कोई लाउड एग्जॉस्ट है, तो किसी चीज़ का टेंशन नहीं, बिल्कुल आराम से इसको कहीं भी ले जाओ कहीं भी राइड करो। और सामने जा रही है वोक्सवैगन विटस जीटी। यार ये कार ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लाइक अगर आपका सपना एक BMW ओन करने का और उतने पैसे नहीं ना, देन यू कैन गो फॉर दिस मशीन। पावर भी है और साथ ही साथ कलर एंड ये ओवरऑल इसका जो लुक देख सकते हो यार, क्या प्यारी दिख रही है गाड़ी, बहुत ही अट्रैक्टिव मशीन है, किसी भी एंगल से लग नहीं रही है यार ये कि 20 लाख रुपए की गाड़ी है ये। गाइस दिस इज अनदर डे। कल पता नहीं क्यों अपने जो GoPro में ना प्रॉब्लम आ रखा था, बार बार ना GoPro ही ऑफ हो जा रहा था, मैं जैसे ब्लॉक कर रहा था GoPro अपने आप ऑफ हो जा रहा था। तो उस टाइम मैं जब ग्लैमर राइड कर रहा था उस टाइम भी सेम चीज़ हो रहा था, फिर जब इसको राइड कर रहा था उस टाइम भी सेम चीज़ हो रहा था। तो अभी सीन क्या ना, मैंने GoPro का मेमोरी कार्ड चेंज कर दिया है, होपफुली इससे भाई थोड़ा मतलब काम कर जाए। अगर नहीं किया तो भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा करना क्या होगा। पहले ना मुझे लगा कि इसको अपडेट वगैरह करना है क्या, अपडेट वगैरह भी मैंने चेक किया तो अपडेटेड है GoPro एंड मेमोरी कार्ड जो मैं यूज़ करता हूँ वो हाई एंड वाला यूज़ करता हूँ, क्योंकि हमेशा आप जब भी GoPro या फिर कैमरा यूज़ करो तो हाई एंड वाला ही यूज़ करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी जल्दी से चलते हैं एंड ये देखो भाई किधर से निकाले। चलो मैंने चेक कर लिया GoPro, चलो रिकॉर्ड तो कर रहा। देखो मेमोरी कार्ड मैंने चेंज किया, बार बार हो कह रहा था ना लास्ट टाइम रिकॉर्ड होने के बाद ना वो रिपेयरिंग फाइल पे जा रहा था, इट मींस कि मेमोरी कार्ड में मे भी कुछ ना कुछ इशू आ सकता है। तो मेमोरी कार्ड में बहुत सारा डेटा था, मैंने सोचा कि इसको अभी फॉर्मेट करने से बेटर रखी इसलिए अपन मेमोरी कार्ड ही चेंज कर देते हैं, बाद में जब उससे सारा डेटा हटा लेंगे फिर उसको एक बार फॉर्मेट कर लेंगे एंड उसका सेम मेमोरी कार्ड लगा देंगे। जल्दी से पहुँचते हैं, आज़म वेट कर रहा, अभी अपने को जाना है एक शूट करने, जल्दी से पहुंच के लोकेशन पे एंड उसके बाद जाएंगे बाइक पिक करके शूट करने एंड वो कौन सी बाइक की शूट होने वाली है वो आपको बहुत ही जल्द अगले अपकमिंग वीडियोस में पता चल जाएगा। एक्चुअली दिसंबर में ना कुछ ज़्यादा ही शूट हो गया, मतलब सिर्फ बाइक का शूट 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 ऐसा करके ना काफ़ी ज़्यादा बिजी स्केड्यूल चल रहा है। बट आई नो गाइस आप लोग के लिए ये डेली व्लॉग्स करना ये तो भाई मैं करूँगा ही करूँगा, इट्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर मी नाउडेज क्योंकि ठंड भी है और साथ में साथ एक दिन में दो दो शूट करना पड़ता है। जैसे देखो आधा पार्ट मैंने कल शूट किया, आधा पार्ट अभी शूट कर रहा हूँ, बट दिस इज़ द पार्ट ऑफ डेली व्लॉग, जो भी अपन कर रहे हैं वो तो शूट करेंगे करेंगे, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा जो कंटेंट आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं वो भी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी। तो गाइज आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर। गाइज मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय एंड राइड सेफ राइड हार्ड। वैसे नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग बोलोगे तो यार अपन वैम को राइड करेंगे, वैम पे कुछ कुछ मॉडिफिकेशन भी कराना आप लोगों को, बहुत ही जल्द एक अच्छी रोड ट्रिप पे भाई लेके चलेंगे हम लोग, बहुत ही धमाकेदार होने वाली वो रोड ट्रिप। आपको अपकमिंग वीडियोस में अपडेट मिलते रहेगा, तब तक के लिए बाय बाय एंड राइड सेफ राइड हार्ड।